तो क्या चल रहा है मेरे दोस्तों, स्वागत है मेरी YouTube चैनल वाली आरसी में। लाया हूं आपके लिए V6 डुअल बैटरी चार्जर जो कि चार्ज करता है लिथियम बैटरीज। इस चार्जर की एक खास बात है कि ये अलग अलग टाइप की बैटरीज को चार्ज कर सकता है। ये एक 80 वॉट का चार्जर है जो कि एसी और डीसी दोनों करंट्स पर वर्क करता है। आप इससे 6 सेल तक की बैटरीज को चार्ज कर सकते हो और इसके अंदर टेम्परेचर सेंसर्स है। आप इससे बैटरी को डिस्चार्ज भी कर सकते हो अगर आपको वो उस टाइम पे यूज नहीं करनी है, लाइक आप अपनी बैटरी को यूज नहीं करना चाहते और आपको उसको कुछ दिनों के लिए रखना है तो आप उस बैटरी को डिस्चार्ज कर सकते हो उससे। और इस चार्जर से आप अपनी बैटरी को स्टोरेज मोड में डाल के उसको काफी दिनों के लिए रख सकते हो जिससे बैटरी पे कोई हार्म नहीं होगा। तो चलिए खोलते हैं इस डब्बे को। इसके अंदर दुनिया भर की तारे हैं। इनको रखते हैं साइड में। और ये है वो चार्जर। पहले बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। सॉरी दोस्तों, रुकावट के लिए खेद है। जल्दी से इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और दबा दीजिए घंटे को। अब रुके क्या हो, जल्दी से कर दो यार। ये मेरे को पड़ा है 2600 रुपए का। इट्स द बेस्ट वन टू चार्ज योर बैटरीज। लाइक मेरे पास काफी बैटरीज हैं। मैं इसको पुराने वाले आईमैक्स चार्जर से चार्ज करता था जो कि ये है। और इसे इसकी हालत देखिए कैसी हो गई है। पिछले एक महीने से मैं इस चार्जर से इसको चार्ज कर रहा हूँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल, बैटरी स्वेल भी नहीं हुई है। तो ये चार्जर फुली मेटल बॉडी का है। इसमें हीट सिंक्स भी दे रखी हैं जिससे ये ज्यादा गर्म नहीं होता। और इधर की तरफ देखोगे तो इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव पिन्स दे रखी हैं टू चार्ज, जो कि अटैच होती हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव से। जो ये वाली पिन है वो अटैच होती हैं इनसे। अगर आपकी बैटरी 2 सेल है तो इसमें लगेगा 3 सेल, इसमें 4 सेल, इसमें 5 एंड 6 सेल। इसमें हमको मिल जाते हैं काफी सारे बटन्स जो कि स्टॉप, स्टेटस और एंटर का है। इधर की तरफ देखते हैं तो इसमें एसी इनपुट और यह है डीसी इनपुट। पीछे थोड़ी और हीट सिंक्स। सो करते हैं इस चार्जर को ऑन और बताता हूँ मैं आपको कैसे करते हैं बैटरी चार्ज। सो जो ये प्लग है इसको लगा लेते हैं हम अपने सॉकेट में और इसको प्लग इन करते हैं। ये प्लग इन होगा इधर। सबसे पहले आता है इसमें प्रोग्राम सेलेक्ट। अगर आपको लिपो बैटरी चार्ज करनी है सो इसमें बहुत सारी टाइप की बैटरीज को आप चार्ज कर सकते हो। जैसे सो इससे आप बैटरीज सेलेक्ट कर सकते हैं, निकल कैडियम, कैडमियम, पीबी बैटरी, लोड, प्रोग्राम, लिपो बैटरी, निकल मेटल हाइड्राइड, निकल कैडमियम, पीबी, सेट प्रोग्राम, एंटर। इसमें आप प्रोग्राम सेट कर सकते हो। सो मेरी लिपो बैटरी है। अगर मैं अपनी 5200 mAh की बैटरी को चार्ज करता हूँ जो कि 11.4 वोल्ट की है, तो इसमें मैंने ऑलरेडी सेट करा हुआ है जैसे 5.2 एम्पेयर। अब देखिए इस पे मैंने एंटर कर दिया तो ये सेलेक्ट हो गई है 5.2। अगर मेरी यहाँ पे 2200 mAh की बैटरी होती तो इसको मैं 2.2 एम्पेयर पे चार्ज करता, जस्ट लाइक डिक्रीज बटन दबा के। सो 2.2 एम्पेयर। मेरी 5200 mAh की बैटरी है सो मैं इसमें यूज करूंगा 5.2 एम्पेयर और एंटर करूंगा तो ये आ जाएगी मेरी कितनी वोल्ट की बैटरी है। सो इसमें मैं 11.1 वोल्ट की है मेरी बैटरी 3 सेल। सो अगर आप चेंज करना चाहते हैं जैसे आपकी 14 वोल्ट की है, 14.8 वोल्ट और 4 सेल, लेकिन इसमें आप डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। सो फिर इसको दोबारा एंटर कर दीजिए। ये आपका प्रोग्राम सेट हो गया है। लॉन्ग प्रेस स्टार्ट बटन, बैटरी चेक, वेट। सो कनेक्शन ब्रेक, क्योंकि मैंने अभी अपनी बैटरी इसमें कनेक्ट करी नहीं है। सो स्टॉप एंड आई विल यूज
दिस टाइप ऑफ प्लग्स। सो इसके साथ मिलती हैं बहुत सारी केबल्स जिससे आप अपनी अलग अलग टाइप की बैटरीज को कर सकते हो चार्ज। सो मैंने ये लिया है बनाना पिंस के साथ कनेक्टर, आई एम गोइंग टू यूज दिस। सो ऑलवेज कनेक्ट योर नेगेटिव पिन फर्स्ट एंड देन पॉजिटिव। सो मेरी 3 cell बैटरी है तो मैं इसको 3 cell वाले पिन पे कनेक्ट कर दूंगा। सो मेरी बैटरी हो गई है कनेक्ट। सो आई विल प्रेस अ लॉन्ग बैटरी चेक। वेट, ये एक बार और कंफर्म करने के लिए पूछता है। सो अगेन प्रेस द एंटर द बटन। सो अब ये चार्ज हो रही है। जो बैटरी के अंदर एम्पेयर है 5.2, 11.75 वोल्ट है। और विद द प्रेस ऑफ इंक्रीज बटन आप पर सेल की वोल्टेज चेक कर सकते हो। ये फर्स्ट सेल की है, सेकंड सेल, थर्ड सेल, अगर आपकी 6 cell की है तो 4th, 5th and 6th cell की वोल्टेज बताएगा। तो मेरी 3 cell है तो इसलिए ऊपर वाले बटन में बता रहा है, ऊपर वाली टिपो 3S 5.2 एम्पेयर 5.76। सो ऐसे आप कर सकते हो अपनी बैटरी को चार्ज। आपका कोई भी प्लान नहीं है, कुछ हफ्तों के लिए आप अपना RC प्लेन, RC ड्रोन, कुछ भी अगर आप नहीं उड़ा रहे हैं तो आप अपनी बैटरी को स्टोरेज मोड में डालकर अपनी बैटरीज को रख सकते हो। सो उसको कैसे करते हैं तो मैं वो आपको बताता हूँ। कैंसिल बटन, कैंसिल, प्रोग्राम सेलेक्ट, लिपो बैटरी, एंटर, लिपो चार्ज नहीं चाहिए, लिपो बैलेंस चार्ज भी नहीं चाहिए, लिपो फास्ट चार्ज भी नहीं चाहिए, लिपो स्टोरेज। सो हमें इस पे एंटर करना है। अब ये एम्पेयर पूछेगा कितना, तो हम 1 ampere से ज्यादा पे नहीं जा सकते। सो एंटर, 3 cell ही है हमारी बैटरी, 11.1 volt ही है। एंटर विद अ लॉन्ग प्रेस ऑफ एंटर, प्लीज चेक, वेट, कंफर्म, एंटर। सो हमारी बैटरी अब चार्ज हो रही है स्टोरेज मोड के लिए। स्टोरेज मोड में जब बैटरी रहती है तो 11.5 तक ही रहती है, 11.55 समथिंग। जब आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है तो फिर ये चार्जर अलार्म भी बजर ऑन कर देता है जिससे आपको पता चल जाता है कि आपकी बैटरी चार्ज हो गई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, बाय बाय।